झरिया विधानसभा क्षेत्र के झरिया बाजार में। बोल मताता बोल में आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ कुछ लोग हैं मेरे सामने, आपको उनसे मिलवाते हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार का जो 2019 का विधानसभा चुनाव है, कैसे प्रत्याशी को लोग चाहते हैं और क्या इस बार झरिया का बदलाव चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ एक दुकानदार भाई है हमारे, इनसे बात करते हैं। ये क्या कहेंगे इस बार, कैसा प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं? झरिया को बचाए उसे पसंद करते हैं, झरिया को जल्दी से बचाए और जो सुविधा है बिजली पानी बिजली से बंद हो जाता है हमारा बार बार उसकी समस्या को दूर करें। बस जाएगा कितना यहाँ लोग कह रहे जो झरिया को बचाएगा वो प्रत्याशी रहे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे झरिया का जो अभी स्थिति है, झरिया का विस्थापन का मुद्दा है, किस टाइप का प्रत्याशी आप चुनेंगे, किसको चुनेंगे, क्यों कांग्रेस क्यों पसंद है, क्यों कांग्रेस चुनना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि आज तक भाजपा कोई विकास नहीं किया है। देख रहे हैं यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को चुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी जो भी है वो वही ठीक है, क्या कहेंगे? और हमारे साथ अभी यहाँ कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, चलिए अभी सीधी बात कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगे इस बार बदलाव चाहते हैं? किस तरीका के प्रत्याशी को आप चुनेंगे? अभी मौजूदा जो विधायक है क्या कहेंगे उसके बारे में? आप मतदान करते हैं क्या, मतलब इस बार आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सुविधा है अभी झरिया में? चलिए अभी आप बात कराते हैं, आप यहाँ से कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे? 2019 का जो विधानसभा अभी चुनाव है, क्या चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे झरिया का? हर जगह बदलाव तो हो ही रहा है, झरिया में ही बदलाव होगा, सब आदमी चाह रहा बदलाव। झरिया का जो है असल मुद्दा, झरिया का मुद्दा सामने रख करके कि झरिया खाली होने का बात है, इसलिए मुख्यमंत्री कह दिए हैं 21-22 तक झरिया को ख़त्म कर देंगे। यह भाषण ये झरिया का लोग सोचेगा ना भाई, इसलिए झरिया का मुद्दा जो है, इसलिए झरिया के लोग जो है झरिया के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि किसको कैसा प्रत्याशी को पसंद करेंगे, कैसा मतलब उसका प्रत्याशी ऐसा हो जो झरिया के हित में काम करे, झरिया का भला सोचे, इसके लिए वो देना है। क्या नाम देखिए, आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं इनका भी साफ कहना है कि जो झरिया के बारे में सोचेंगे इस पर मतदाता मत उसी को देंगे। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, झरिया का आप मतदाता, आपका मत का अधिकार है, आपके लिए भी आप कहाँ रहते हैं? हम कहीं रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि झरिया को कैश 22 तक खाली करवा देंगे, क्या कहेंगे इस पर? फिर भी आप भाजपा को पसंद कर रहे हैं? खाली तो अभी होने वाला है, हम लोग तो 40-50 साल से शुरू हैं, खाली होगा इसका तो सवाल ही नहीं, इतना उतना मामूली बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरनाथ। बताइएगा कि इस बार क्या झरिया का बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं बदलाव। कैसा मतलब प्रत्याशी पसंद करेंगे? 20 साल से अभी यहाँ भाजपा की विधायक रहे हैं, उसके बाद भी झरिया का जो अस्तित्व स्थिति को आप कुछ परिवर्तन नहीं है, हम वही प्रत्याशी चाहेंगे जो कुछ काम कर सकता है, वो चाहे किसी पार्टी से कम संबंध रखता हो। और तो बात आपको ये बताइए कि झरिया का विस्थापन का मुद्दा है और पानी का जो मुद्दा है, क्या कहेंगे? तो क्या है, तो मुद्दा मैंने बहुत दिनों में चला आ रहा है और आज तक उसका समाधान नहीं हुआ, तो समाधान करेगा तभी ना कुछ होगा, ना समाधान को तो कुछ होगा नहीं। वो 5 साल में आते हैं वोट मांगने के लिए, उसके बाद मतलब उसके बाद नज़र नहीं आते, 5 साल में क्या बाद में आएंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई फिर हमको वोट दीजिए, ठीक है? क्या चाहेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि भाई मैंने वोट उसी आदमी को दिया जाए कि जो कुछ काम करे। देख रहे हैं लोग कह रहे हैं वोट उसी को दिया जाए जो कुछ काम करे। आगामी चुनाव 16 दिसंबर को झरिया में है,
आगामी 16 दिसंबर को झरिया में चुनाव है और लोगों का कहना जो बदलाव चाहेंगे उसी को वोट दीजिए। बीजेपी कहती है कि ये झरिया हटाओ झरिया हटाओ, जो सुरक्षित झरिया है उसको बचाने का कोई नाम नहीं लेता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है कि हाँ मतलब कि झरिया बचाया जाए, जो जहाँ सुरक्षित जहाँ आग लगी है उसको हटाओ, जहाँ सुरक्षित है उसको सुरक्षित रखो, उसमें क्या दिक्कत है। कौन सा पार्टी आपको अच्छा? हमको कांग्रेस अच्छा लगती है। अभी हम हैं झरिया बाजार में, यहाँ सब्जी विक्रेता है, कुछ लोग हमारे साथ में, चलिए इनसे बात करते हैं कि इस बार क्या झरिया का कैसा क्या बदलाव चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता है। क्या मैं एक व्यवसाय हूँ। झरिया के बारे में यही कहना है कि हमारे जितने भी नेता आ रहे हैं वो तो कहते हैं कि झरिया को तो अब बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन झरिया को एक जगह ले जा करके बसाया जाएगा। तो ये तो सब नेता कह रहे हैं, चाहे कोई भी नेता है, नया हो पुराना हो, सभी नेता का ही कहना ही रोना है। जब हमारे केंद्र सरकार जो पारित कर चुके हैं कि हमारे झरिया को बचाया नहीं जा सकता, यहाँ कोयला का जो खान है, कोयला तो निकालना ज़रूरी ही है, तो अब हम लोगों से यही है कि नेता लोग से यही कहा जाए कि नया झरिया को तो बसाया जाए, यही भारी मुआवजा दिया जाए, और हम लोग को जो बेलगड़िया जैसा जो है, जो वैसा छोटा छोटा जो रूम होता है, जो मकान होता है, वैसा ना दिया जाए। अब यही हम लोग व्यवसाय लोग कहेंगे। इस बार जो चुनाव है, अभी फिलहाल यहाँ भाजपा का विधायक 20 वर्ष से उन्हीं लोग का मतलब यहाँ है, तो क्या कहेंगे इस बार, क्या जनता बदलाव चाहेगी, दूसरा प्रत्याशी चुनेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस बार तो थोड़ा जनता का मन बदला हुआ है ही, इस बार तो थोड़ा जनता बदलाव चाहती ही है, अब आगे जनता के ऊपर निर्भर है। जैसा भी है यही जगह जहाँ भी रहे बस ऐसा ही रहे, हम लोग का ये बाजार बहुत अच्छा लगता है, जहाँ भी दीजिएगा बस ऐसा ही बाजार दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, जो हमारे विकास का काम करेंगे उनको प्रतिनिधि हम लोग चुनेंगे, अच्छा सा अच्छा काम करेंगे। इस बार 2019 का विधानसभा चुनाव है, आगामी 16 दिसंबर को यहाँ मतदान होने वाला है, और झरिया का स्थिति को देखते हुए क्या कहेंगे, क्यों सरकार यहाँ जो यहाँ पे भूमि में जो आग लगी है इस पर क्या कदम उठाती है, नहीं उठाती, क्या कहेंगे? अभी तो सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, वो तो सरकार बोलती है झरिया खाली करो खाली करो खाली करो, सरकार तो हम तो यही सुन रहे हैं, अब आगे देखिए क्या कदम उठाते हैं। इलेक्शन के बाद कैसा प्रत्याशी पसंद करेंगे इस बार आप? प्रत्याशी हम बोले ना, जिस तरह का मतलब कि जो काम करेगा हम लोग उसी प्रत्याशी के साथ में है। अभी मौजूदा में यहाँ भाजपा का कांग्रेस का निगेटिव दोनों में आप किसे पसंद करेंगे? हम तो बोल रहे हैं, वही डिक्लेयर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया काम लाली का 3 भर में 10 बार रोड में झाड़ू लगता है, लेकिन 6 महीना में 1 दिन भी लाली नहीं जाकने आता है, लाली का पानी हम लोग का दुकान में घुस जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं देखने आता है, कोई भी नहीं देखने आता है, ऐसा हाँ कोई भी नहीं आता है। अभी तो वोट मांगने के लिए सब कोई आ जाते हैं, सब आते हैं, तो आप इस बार प्रधानमंत्री आ जाएंगे वोट लेके लिए, लेकिन प्रशासन नहीं आता है, बोलता है जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, लाली साफ करने के लिए हम अतिक्रमण हटाए, क्या आपका काम है? आप वोट लेते हैं जी जी। आपका काम है, आप करवाइए, लेकिन यहाँ कहेगा अतिक्रमण हटवाइए तब हम लाली साफ कराएंगे। देखिए लाली का समस्या, लाली का समस्या देखिए, कीड़ा घुसता है हम लोग दुकान में, यहाँ पर 10 बार हम लोग साफ कराते हैं, लाली का जो कचरा ठेल देता है 10 बार हम लोग साफ कराते थे, लेकिन कोई नहीं देख रहा। जो हमारे लिए काम कर रही है ना,
झरिया झरिया रहना चाहिए, झरिया ऐसा बाजार कहीं है ही नहीं है। हम बहुत जगह घूमे हैं, दिल्ली गए हैं, कलकत्ता गए हैं, पटना गए हैं, रांची गए हैं, लेकिन झरिया ऐसा बाजार हम कहीं नहीं देखे। पीछे हम झरिया ऐसा बाजार कहीं नहीं देखे हैं, झरिया ऐसा सुविधा भी कहीं नहीं देखे। हम बहुत जगह घूमे हैं, हम भी सब चीज़ देखे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बाजार नहीं देखे हैं। झरिया नहीं उठना हम लोग के लिए फायदे आपका सारा दिन। विधानसभा के कतरास में और झरिया में खड़े हैं, आइए यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि इस बार क्या बदलाव चाहिए। आइए सबसे पहले यहाँ के नौजवान हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद तौसीफ अकरम। तौसीफ जी बताइएगा कि इस बार झरिया का क्या बदलाव चाहिए? झरिया का तो बदलाव चाहिए, इसलिए कि आज झरिया की स्थिति बहुत खराब हो चुका है। देखो डस्टल एरिया बहुत ज़्यादा हो चुका है और पानी का भी व्यवस्था बहुत ख़राब है, यहाँ पीने के लोग तरसते हैं पानी के लिए। ये बदलाव होना चाहिए, अगर सरकार कोई भी आए सत्ता पे तो इस पर गौर करें, इसलिए कि हमारा आज के युग है कि नौजवानों को क्या आधा रात में पानी लेने के लिए चले जाते हैं तो क्या काम करेंगे नौजवान। इसलिए झरिया को कोई भी सत्ता में आए तो झरिया के विकास के लिए चलिए आपको हम बात कराते हैं यहाँ के मिट्टी दुकानदार भाई, क्या ये कितने दिनों से यहाँ है, हम क्या बोले फिर विधानसभा चुनाव का जैसा माहौल देखा जा रहा है, बीजेपी से कांग्रेस से जो भी पार्टी हो सब आते हैं अपने अपने रोटी सेकने के लिए, लेकिन विकास के नाम पर किसी का कोई काम नहीं है। लेकिन इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम तक जनता जो है पिछले 15-20 साल से हमारे झरिया के लिए कुछ नहीं हुआ। RSP कॉलेज इतना बड़ा मुद्दा, ये चला गया, झरिया रेलवे बंद हो गई, यही सब सोचते हुए इस बार हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव तो हर हाल में इस बार होना है, अब किस पार्टी का बदलाव होगा ये समय ही बताएगा। देख रहे हैं लोग का रुझान सीधे तौर पे है कि लोगों का यही कहना है साफ साफ कि जो विकास करेंगे उसी को वोट देंगे। आने वाले 16 दिसंबर को मतदान है और 23 दिसंबर को चुनाव का परिणाम है। कैमरामैन अशलान मलिक के साथ मोहम्मद एहसान अंसारी, KCN TV झरिया।